मोदी जी बनारस से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। बातें हम देख रहे हैं कि इस सरकार के आने की वजह से हमें काफी चीजों से लाभ मिला है, काफी चीजों का लाभ मिला है। घाट बदला गया, सफाई बदला, सफाई हो गया, जब से वो यहाँ के नेता मतलब बने थे प्रधानमंत्री, इतनी बार यहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग के लिए कर चुके हैं इतना, इतनी फैसिलिटी यहाँ पे भी नहीं थी। इसी घाट पे यहाँ पे भी वो हम लोग भी पहले यहाँ आते थे, पहले यहाँ पे आने से पहले इतना मतलब कि सब लोग ऐसे नाक बंद करके हम आते थे, ऐसे लोग खुल के बैठे थे सफाई से, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से ये सब है। साफ सफाई की मैंने बात की, साफ सफाई काफी बेहतर है। अभी तो मोदी जी अच्छा काम किए हैं, इंडिया के अंदर बहुत अच्छा काम किए हैं, भाई ओवर ब्रिज बहुत बनवाए हैं, साफ सफाई पे बहुत ध्यान रखे हैं, लाइट बत्ती पर ध्यान रखे हैं। चेंजेस आया है वाराणसी में, और ये जो आप घाट देख रहे हैं ना, ये पहले बहुत अच्छा नहीं था, बहुत कम लोग आते थे, लोग इसको जानते ही नहीं थे। जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने हैं, तब से ये बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। देखिए उनसे तो उम्मीद बहुत चीज़ों की है, वो हालांकि उम्मीद पे खड़े भी होंगे, इस बार पहले भी थे, इस बार भी नहीं होंगे, तो उम्मीद सही है। मोदी सरकार जो है हमेशा रहेंगे। रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है, मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। मरुआ जी का स्टेशन तो बहुत भव्यता इस स्टेशन में है इस समय, और इतना स्पीड से काम हुआ है, बहुत अच्छा है, हर स्टेशन से प्यारा स्टेशन ही है। ये छोटा सा स्टेशन था, उसके बाद पूरी डेवलप हुआ, पहले एक नंबर प्लेटफार्म था, उसके बाद 2-3-8 हो गया, बहुत सुंदरीकरण हुआ है। ट्रेनें बढ़ने वाली हैं, बाकी और भी व्यवस्थाएं हैं कई तरीके का, मतलब बाहर की जितनी भी ट्रेनें हैं, मुंबई देखिए, पुणे देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, सभी जगह ट्रेन आती जाती हैं। अगर कोई लिख कर मांगे तो उसको लिख कर देंगे, हर खुशी ना गिन गिन कर बांटे हैं एक एक लोग को मोदी जी ने। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। ये भारतीय रेलवे है, पहले एक्सेलरेटर नहीं था, दोनों साइड एक्सेलरेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लग गई है, साफ सफाई पहले से ज्यादा बेहतर है, सुंदरीकरण है, उसके बाद वाईफाई वगैरह फैसिलिटीज जो है। मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर और कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। मेरी इसमें सब कुछ अच्छा है, आज तक एक भी मिनट लेट नहीं हुई है ये ट्रेन।
और आज भी ये बिल्कुल अपने राइट टाइम पे आई हुई है। मोदी जी हम लोग के लिए बहुत सब किए हैं, बहुत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी नेता जिसे कोई आज देश में दोबारा कोई आ ही नहीं पाएगा, न ही कोई कर पाएगा। वो चौकीदार इतने बड़े चौकीदार सब पूरे देश को लेकर चले, हम लोग क्या है, उन्हीं का दिन है, वो हम लोग के लिए कर रहे हैं तो हम लोग उनके नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। भारत गांवों में बसा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद गांव और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई। जो सुविधाएं शहर में हैं, क्या गांव उसका हकदार नहीं है क्या? भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी और पानी की सुविधा भी नहीं थी, मतलब शौचालय भी नहीं था, खेतों में जाना पड़ता था। पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, उनके आने के बाद में इतना कुछ बदल गया, आदमी के बदौलत से ये पूरा गांव मतलब जाना पहचाना बन गया है। अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गांव के गरीब के घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जब से मोदी जी आए हैं 24 घंटा गांव को बिजली मिलती है। 25-25 के बीए का 2-6 सोलर पैनल लगवा दिए, पूरे गांव बिजली की सप्लाई है। गांव तय करे तो दुनिया देखने के लिए आए ऐसा गांव बन सकता है। मोदी जी का सरकार फिर आना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। और मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जैसा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए वैसे प्रधानमंत्री हैं। क्या हम ये संकल्प कर नहीं सकते ताकि हमारे गांव में हमारे गरीब से गरीब बालक भी कुपोषण के शिकार न हो और उसके लिए हम चिंता कर सकें? जितना महत्व दिल्ली की बड़े से बड़ी संसद का है, उतना ही महत्व ये मेरे गांव की संसद का है, और इसलिए ग्राम सभा को भी बल देने की आवश्यकता है। गांव का अर्थकारण ताकतवर बनेगा तभी देश का अर्थकारण ताकतवर बनेगा। जब तक गांव के गरीब की खरीद शक्ति नहीं बढ़ती, देश की इकोनॉमी में बल नहीं आता है। आज तेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। कोई भेदभाव नहीं, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। यही है सबका साथ सबका विकास। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। देश के भीतर छुपे गद्दारों को मात और पंथ से ऊपर उठकर सजा दी जा रही, यही नीति हमारी है, जिसके बल पर हमने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। तभी देश इस चौकीदार पर भरोसा करता है। मित्रों, तो गठबंधन का एजेंडा स्पष्ट है, मोदी हटाओ। हम चाहते हैं गरीबी हटाओ, वो चाहते हैं मोदी हटाओ। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं बेरोजगारी हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं निरक्षरता हटे, वो चाहते हैं मोदी हटे। हम चाहते हैं रोग और बीमारी हट जाए, वो चाहते हैं मोदी हट जाए।
हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वो चाहते हैं मोदी हटे। 5-25 नेताओं को खड़ा होकर हाथ मिलाकर हाथ खड़ा करने से नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। देश की 100 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आपको केंद्र में फिर एक मजबूत सरकार बनानी है। कमल पर पड़ा आपका हर वोट मोदी के खाते में आए। फिर एक बार मजबूत चौकीदार, फिर एक बार मोदी सरकार।